टीम इंडिया ने लगाई क्लीन स्वीप की हैट्रिक, श्रीलंका को तीसरे T20 में दी 6 विकेट से मात। जी हां दोस्तों, कैसा रहा तीसरा T20 मुकाबले का हाल बताएंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए एक और सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को तीसरे और आखिरी T20 मैच में भी हराकर 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया है। धर्मशाला में रविवार 27 फरवरी को खेले गए मुकाबले में भारत ने मोहम्मद सिराज और आवेश खान के जबरदस्त स्पेल के दम पर श्रीलंका को सिर्फ 146 रनों पर रोक दिया था। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में तीसरे और आखिरी T20 मैच में श्रेयस अय्यर ने 10 अर्धशतक लगाया। उन्होंने तीसरे मैच में 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। मैच में 50 रन पूरा करने के साथ ही अय्यर इस सीरीज में लगातार 3 अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। आपको बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। कप्तान रोहित शर्मा जल्द ही आउट होकर पेवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा महज 5 रन ही बनाकर चमीरा का शिकार बने। इसके बाद संजू सैमसंग और श्रेयस अय्यर के बीच एक पार्टनरशिप दिखी और दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि टीम को इसके बाद संजू सैमसंग के रूप में झटका लगा। इसके बाद दीपक हुड्डा को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। हालांकि दीपक हुड्डा भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए और 21 रन बनाकर आउट हो गए। वेंकटेश अय्यर भी मैच 5 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अंत में रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर ने फिर से नाबाद रहकर टीम को जीत दिलाई। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया है और 3 मैचों की T20 सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।